आप जयप्रकाश नारायण की विचारधारा के विरोधी हैं, आपके पास कोई महानायक नहीं है, इसीलिए आप अपनी फ्रस्ट्रेशन खासतौर से लोकसभा में यूपी में जो आप हारे उसकी अब जेपी की मूर्ति पर, अखिलेश यादव पर, समाजवादी पार्टी पर निकाल रहे हैं। हाँ, लेकिन इससे पिछले साल तो हम नहीं हारे थे, तब भी हमने यही कहा था कि भाई ऐसी कोई बात है। ज़बरदस्ती हर चीज़ को तिल का ताड़ बनाकर ये चाहते हैं कि बस ये बताते रहें कि हम जीतने वाले हैं, भाजपा हारने वाली, ये सब चीज़ें नहीं हैं। हमें अखिलेश जी की फिक्र है भाई, वो देश के बड़े नेता हैं, उत्तर प्रदेश के बड़े नेता हैं, देश के बड़े नेताओं में उनकी गिनती है, उनका प्रिंसिपल अपोजिशन पार्टी है वो उत्तर प्रदेश में। वो वहाँ जाएंगे, वहाँ पर बिच्छू सांप और पता नहीं क्या क्या है, वहाँ तो है ही, बाहर से भी जाएंगे, अंदर से भी जाएंगे, रिस्क हो जाएगा। अगर ऐसा कुछ हो जाए कल इतने बड़े नेता के साथ, तो ये देश और ये राज्य ऐसा रिस्क नहीं लेना चाहता। एलडीए ने बड़े शुद्ध शब्दों में कहा कि भाई वहाँ पर वो सफाई उस तरह की नहीं है, उस तरह की व्यवस्था नहीं है, आपसे निवेदन है कि आप ना जाएं। तो क्या ये बिच्छू 2 साल से ही पैदा हुए हैं वहाँ पे? नहीं, 2 साल से नहीं, मेरे नजरिए में भी ये पहले वहां नहीं जाते थे। अगर इनके पास कोई सबूत हो तो दे। ये तो कह रहे हैं हर साल जाते थे। मैं क्या कहता हूँ, अगर सबूत हो तो दे। मैं कह रहा हूँ मेरे हिसाब से भी, जहां तक जितनी मेरी रिसर्च है, मैं गलत हो सकता हूँ, लेकिन मेरे हिसाब से भी ये 2 साल से पहले से नहीं जाते थे। लेकिन अब विषय एक चीज है, जब आपको, मान लीजिए आप जेपी के मानने वाले हो सकते हैं, आप गांधीवादी विचारधारा के मानने वाले हो सकते हैं, या फिर एक जनसंघ भाजपा की तरफ से आप हो सकते हैं, लेकिन उसके लिए अनिवार्य नहीं है कि आप जहां पर वो हैं वहीं पर जाकर, या जहां पर आपने सेंटर बनाया वहीं पर अगर आप माल्यार्पण नहीं करेंगे तो आप कम गांधीयन हो जाएंगे, या कम सोशलाइट हो जाएंगे, या कम भाजपाई हो जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में भी पंडित दीनदयाल उपाध्याय, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के समय में, उनकी जयंती पर सब पूरे देश के कार्यकर्ता आप आते हैं कि नहीं आप आते हैं कि राष्ट्रीय कार्यालय जो जहां पर भी होता है जिस तरीके से होता है अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करता है। तो वहां क्यों नहीं जा सकते? क्योंकि बताया ना, सांप बिच्छू है वहां पर। और 2 साल से क्यों है? मैं ऐसा क्योंकि बंद पड़ा हुआ है स्ट्रक्चर, क्योंकि वहां पर उस मामले में घोटाले को लेकर गया, क्योंकि कहा जाता है और जिस तरीके से चीजें चल रही हैं कि वहां पर घोटाले का एक विषय है। लेकिन मैं अब एक चीज, हाँ, लेकिन अब घोटाले में तो 15-15 साल बाद भी कन्विक्ट होते हैं इस देश में, अब क्या करें बताइए। 7-8 साल से, सॉरी 7-8 कहां, 10 साल से तो राहुल गांधी और उनकी माता जी वही केसेस झेल रहे हैं। तो चलता है ये इस देश में भ्रष्टाचार का प्रकार कुछ इसी तरीके से चलता है। परंतु राजनीतिक मुद्दा बनाने का जो विषय है वो एक एंगल है कि इसको जबरदस्ती इस तरह की चीजें इस तरीके से एक मोड़ दिया जा रहा है। जब आपको कह दिया गया किसी पर्टिकुलर स्ट्रक्चर में कि भाई यहां पर ये बंद है और आपकी जान को खतरा हो सकता है, आप नहीं चाहते कि आप यहां आए, आपसे निवेदन है कि आप कहीं पर भी माल्यार्पण करें, अपने घर पर करें, आपके पास कार्यालय है, सब कुछ तो है। तो क्या ड्रामा कर रहे हैं ये? बिल्कुल है जेपी ड्रामा है, बिल्कुल पूरे तरीके से बिल्कुल। अरे जेपी, अच्छा इनका ड्रामा, मैं अभी 10 सेकंड आपने मुझे बोली थी, मैं सोच रहा था कि चलो अगले हिस्से में रखे। जेपी का पहला सिद्धांत परिवारवाद के पूर्ण खिलाफ थे कि नहीं थे, पहला सिद्धांत था। आज ही कल ही इन्होंने 6 सीटें अनाउंस करी हैं। अब देख लीजिए, करहल में तेज प्रताप यादव, इनके खुद के भतीजे, लालू यादव जी के दामाद, सीसमा इरफान सोलंकी की धर्मपत्नी, मंजुआ में ज्योतिबिंब, पूर्व सांसद रमेश बिंद की बेटी, कटहरी में सांसद लालजी वर्मा जी की वाइफ, मिल्कीपुर में सांसद अवधेश प्रसाद के बेटे। अरे भाई, पैदा हुए परिवारवाद में। दूसरा उनका सबसे बड़ा विरोध था, इंदिरा जी के खिलाफ भी उन्होंने आंदोलन किया था, भ्रष्टाचार को लेकर सबसे ज्यादा वो मुखर होकर रहते थे। सारी तो भ्रष्टाचारियों के साथ बैठकर दिन रात रिश्तेदारी आपकी। आप क्या सोचते हैं जयप्रकाश नारायण के बारे में? मैं मानता हूं जेपी की विचारधारा, मैं ऐसा मानता हूं कि जिस तरह की जेपी जी की विचारधारा थी वो इस देश में, वाकई इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। 1948 के बाद से ही जिस तरीके से वो कांग्रेस से अलग हुए और उन्होंने इस देश में अलग जगाया और मोर्चा खोला, सरकारों के खिलाफ बोलना, एक बड़ा उन्होंने मूवमेंट डेवलप किया और उससे बड़े नेता निकले देश के। पर आपकी विचारधारा से तो मिल नहीं खाती ना। विचारधारा से महापुरुष मुझे लगता है कि किसी विचारधारा में बंद नहीं हो सकते। बहुत सारे महापुरुषों से हो सकता है हमारी विचारधारा मेल खाती या ना खाती हो, लेकिन वो इस देश के महापुरुष हैं, इसको कोई नकार ही नहीं सकता। जेपी को कौन नकार सकता है? जब इस देश में अत्याचार था, जब इस देश में कांग्रेस ने आतंक किया हुआ था, उस समय उन्होंने इतना बड़ा मूवमेंट खड़ा कर दिया। चाहिए 99 में भारत रत्न तो आप ही की सरकार के दौरान दिया गया था। नहीं, आपने मुझसे पहले ही कह दिया, लेकिन मैं एक और चीज कहना चाहता हूं बावजूद उसके, उस मूवमेंट से जितने भी लोग निकले, क्या वो वाकई जेपी की विचारधारा पर है? क्या लालू प्रसाद यादव वाकई बीजेपी की विचारधारा पर है? वो कह सकते हैं क्या समाजवादी समाजवादी विचारधारा धारा वाले जो आपके सहयोगी हैं उनको घेर रहे हैं? अब ये कह रहे हैं कि अब सरकार से समर्थन वापस लीजिए। वो असली विचारधारा वाले जेपी के खिलाफ है। भ्रष्टाचार का आरोप उन पर नहीं, बाप बेटे का और परिवारवाद का आरोप उन पर नहीं, असली विचारधारा तो वही चला रहे हैं। सच पूछो। ओके, सुनील साजे जवाब दीजिए। सुनील बोलिए, उसके बाद आगे जा रहा हूं डिबेट। रिश्तेदार भी इनके, सब कुछ इनके, परिवारवाद भी करेंगे, भ्रष्टाचार भी करेंगे, सब कुछ करेंगे, और उसके बाद कहेंगे हम जेपी जी को मानते हैं। नहीं मानते आप? भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता हैं उनकी जानकारी अधूरी है। मैं तो ये कहूंगा जब नेशनल टीवी पर बैठे तो जानकारी लेकर के बैठे, एक बात। दूसरी बात, उन्होंने कहा कि हमको माननीय अखिलेश यादव जी की चिंता थी, क्या यही सच है?
क्या आपको माननीय अखिलेश यादव जी की चिंता थी, उनके पास जेड प्लस है, सुरक्षा की चिंता थी, तो आपने तीन क्यों लगा दी? अरे कोई समाजवादी जाकर के चला जाता, माल्यार्पण कर देता? नहीं, इनकी मनसा है उसको बेचने की। और हमको तो याद है, हम लोगों ने पढ़ा है, मैं बीच में बोलना कि जब पटना में रैली जयप्रकाश जी ने की थी, सबूत दे दीजिए बेचने की मंशा कैसे है। अटल जी ने भी उनकी प्रशंसा की है, उनके विचारों से ओतप्रोत थे, लेकिन दिक्कत क्या है, अब ये भारतीय जनता पार्टी अटल जी वाली पार्टी नहीं, मैं कह रहा हूँ बेचने की मंशा कैसे पता चली आपको? कंगना रनावत जी के विचारों वाली ये भारतीय जनता पार्टी है, ये झूठ बोल रहे हैं, ये उसको बेचना चाहते हैं, जैसे प्लेटफॉर्म वाले। सुनील, ऑलराइट, सुनील सुनील, जैसे बेचने का प्लान क्या है जरा बताइए। हाँ, हमने तो कहीं सुना नहीं है, हमारी रिसर्च में कहीं नहीं आया ये, आपके पास क्या जानकारी है बेचने वाली? देखिए ऐसा ना मानक जी, जब इन्होंने प्लासियो मॉल बेचा था तब भी हमने आपने नहीं सुना था और इन्होंने बेच दिया। दरअसल ये पूरी भारतीय जनता पार्टी आई थी देश को बनाने के लिए, पूरे देश बेचने में लगे हैं, मोदी जी अलग बेचने में लगे हैं, योगी जी अलग बेचने में लगे हैं। कंपटीशन इस बात का है कि कौन कितना ज्यादा बेच सकता है। अच्छा, ठीक। और कौन कितना ज्यादा फेंक सकता है, दो ही चीज की लड़ाई है। अच्छा, भाजपा के अंदर। अच्छा ठीक, बेचने की और फेंकने की, हम लोग क्या करें।